नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में लगातार आसमान से बरस रहा गर्मी के बाद बृहस्पतिवार को शाम होते होते मौसम ने करवट ली और पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। पहले ही बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इसकी एक वानगी कानपुर के गोविंद नगर में देखने को मिली। आपको बता दें कि गोविंद नगर में शहर में पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह सड़कों पर लबालब पानी भर गया, जिसके चलते सड़क पर गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि कानपुर नगर निगम की तरफ से बारिश आने से पहले ही सभी नाला नालियों को साफ करने के दावे किए गए थे, मगर शहर की पहली बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। कानपुर में आज पानी बरसने से आज नगर निगम की पूरी तरह लापरवाही देखने को मिली। जहां पर गोविंद नगर के आज निराला नगर चौराहे पर खड़े, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां यहां पर दबी पड़ी, बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं पूरी तरह से पैदल लाते हुए नज़र आ रहे हैं। और पानी भी कहीं ना कहीं कमर तक की पानी भर चुका है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं लापरवाही नगर निगम की देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज गोविंद नगर में पूरी तरह रोडों पर जाम भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं चैम्बर के पाइप भी फटे नजर आए हैं, जहां पर नगर निगम की पूरी तरह हर चौराहों पर लापरवाही देखने को मिली। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।